नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज मंडे का दिन है, बात होगी इंडियाज बेस्ट डांसर की। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो इंडियाज बेस्ट डांसर एक कंपटीशन वाला शो है, मगर बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस शो को थोड़ी नजर लग गई है, इसलिए कंपटीशन की जगह सिर्फ हमें परफॉर्मेंसेस देखनी पड़ रही हैं जो भी कंटेस्टेंट अवेलेबल होते हैं उनकी। इसी पे चर्चा करेंगे और साथ में निकालेंगे वो फोर जो बेस्ट रहे, जिनको हमने रैंकिंग किया इस बार, तो उन्हीं की बात करेंगे। मगर सबसे पहले वही गुजारिश आपसे कि हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों इस हफ्ते यानी कि सैटरडे संडे जो परफॉर्मर्स थे, कंटेस्टेंट थे, वो थे ऋतुजा, अकीब, टाइगर पॉप और सोनल। चार ही कंटेस्टेंट थे। पिछली बार जो कंटेस्टेंट थे उसमें से अदनान इस बार परफॉर्म नहीं कर पाए और ना ही परफॉर्म कर पाए परम। उनकी पहली परफॉर्मेंस थी परम की पिछली बार एज वाइल्ड कार्ड एंट्री। चलिए ये चार जिन्होंने परफॉर्म किया उन्हीं की रैंकिंग करते हैं। तो सबसे पहले नंबर चार पे मैं रखती हूँ ऋतुजा और निशांत को। निशांत जो ऋतुजा के साथ अभी अभी आए हैं, अभी अभी जुड़े हैं एज कोरियोग्राफर, और उन्होंने किया मोहिनी एक्ट, यानी कि जो सैटरडे का थीम था, माइथोलॉजिकल थीम था, उसमें मोहिनी का एक्ट किया और मोहिनी कैसे असुरों से अमृत लेती है और कैसे देवताओं तक पहुंचाती है, यानी कि विष्णु भगवान ने जो मोहिनी अवतार लिया था उस पे वो एक्ट था। तो एक्ट अच्छा था, बहुत अच्छा था। फिर संडे की ये परफॉर्मेंस होती है, उसमें रेट्रो थीम पे ऋतुजा अकेली डांस करती है और गाना होता है दिल भर दिल से प्यारे दिल भर, अरुणा रानी का गाना। जी हाँ, कारवां फिल्म का गाना। इस पे भी ऋतुजा अच्छा परफॉर्म करती है, मगर दोनों दिन ऋतुजा को बजर नहीं मिलते हैं और जजेस का कहना यह है कि अब ऋतुजा थोड़ी सी स्टिफ हो गई है, थोड़ा सा उनको अपनी बॉडी पे और काम करना पड़ेगा। और निशांत को भी इस बात की हिदायत देते हैं कि थोड़ा और वर्क करो ऋतुजा के ऊपर। तो ये एडवाइस के साथ ऋतुजा को हम इस बार रखते हैं नंबर चार के ऊपर। नंबर तीन पे रखते हैं अकीब और रुपेश को। अकीब जो पहले भी परफॉर्म कर चुके हैं, बहुत बढ़िया से कर चुके हैं, एक बार आउट भी हो चुके हैं, मगर फिर से आए हैं अपना कैरियर बनाने, अपना टैलेंट दिखाने। तो अकीब की जो पहली परफॉर्मेंस थी माइथोलॉजिकल रुपेश के साथ, वो थी लव कुश के ऊपर, जिसकी बहुत प्रेज हुई और उनको बेस्ट परफॉर्मेंस भी दिया गया। मगर अगले दिन संडे के दिन जो सोलो परफॉर्मेंस थी उनकी, जिसमें उन्होंने आई एम ए डिस्को डांसर पे डांस किया, वो उनकी परफॉर्मेंस एवरेज रही, जजेस ज्यादा कुछ नहीं दिखाई दिए। तो अकीब आते हैं नंबर तीन के ऊपर। नंबर दो पे आते हैं टाइगर पॉप और वर्तिका। तो वर्तिका और टाइगर पॉप ने जो परफॉर्मेंस माइथो पे की थी वो थी गंगा की। गंगा का धरती पे आना और शिव का अवतार बने हुए टाइगर पॉप की जटाओं में समाना। टाइगर पॉप इस एक्ट को ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाए, जबकि वर्तिका बहुत ही प्यारी लगी, बहुत ही सुंदर लगी और वो डांसर तो बहुत ही अच्छी हैं। तो वर्तिका ने ये परफॉर्मेंस काफी अच्छी की, बट कमेंट जो है वो टाइगर पॉप के हिसाब से मिलने हैं, फिर इतने अच्छे कमेंट्स नहीं मिले। और जो संडे का एपिसोड था उसमें टाइगर पॉप ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, मैं हूं डॉन इस परफॉर्मेंस के ऊपर, इस गाने के ऊपर। तो टाइगर पॉप को तब भी बहुत अच्छे कमेंट्स नहीं मिले, एवरेज मिले और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, ऐसा कहा जजेस ने। तो टाइगर पॉप आते हैं नंबर दो के ऊपर। नंबर वन पे आती है सोनल। जी हाँ, सोनल और तुषार ने पहले तो माइथो पे जो परफॉर्मेंस किया था वो था माँ भवानी का एक्ट, जिन्होंने महिषासुर जैसे राक्षस को मारा था और बहुत ही प्यारा एक्ट था। सोनल छोटी सी माँ भवानी बनी हुई बहुत ही प्यारी लग रही थी और लोगों ने काफी तारीफ की जो गेस्ट बन के आए थे, और साथ में जजेस ने भी प्रेज किया। अगले दिन उन्होंने जो एक्ट किया उससे तो जजेस बहुत प्रसन्न हो गए, जो सोनल का सोलो एक्ट था और वो एक्ट था मिथुंदा के गाने के ऊपर, जिमी 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 आजा 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 इस गाने के ऊपर, और बहुत ज्यादा उनको तारीफें मिली और बजर भी मिले और बेस्ट परफॉर्मेंस का खिताब भी मिला। तो सोनल आते हैं इस हफ्ते नंबर वन के ऊपर।
तो दोस्तों जो लोग नहीं परफॉर्म कर पाए वो थे परम, जिन्होंने पिछली बार परफॉर्म किया था मगर इस बार नहीं कर पाए, अदनान जिन्होंने पिछली बार परफॉर्म किया था इस बार नहीं कर पाए, श्वेता जो पिछली बार भी नहीं थी इस बार भी नहीं है, अमन जो पहली बार वाइल्ड कार्ड एंट्री में आए हैं मगर परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दे पाए हैं, फिर मुकुल जो काफी देर से नजर नहीं आ रहे हैं, और राज जिन्होंने दो हफ्ते पहले परफॉर्म किया था मगर उसके बाद उनके मामा ही परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, राज नहीं दिख रहे हैं। तो ये सारे जो कंटेस्टेंट है वो कहाँ है, कब आएंगे, ये इंतजार सब लोगों को है। जल्दी ही सबको हम लोग स्टेज पे देखें, 11 के 11 कंटेस्टेंट को, और फिर से कंपटीशन जो है वो स्टार्ट हो, यही कामना करते हैं और आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि देखते रहिए हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.